बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स पावर क्लास 9 रिव्यू एक्सरसाइज 9। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसमें कह रहे हैं कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन गिवन है और उसके चार आंसर गिवन है। ठीक है, उनमें से आप लोगों ने करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना होगा। सो नंबर फर्स्ट वन ये कह रहा है कि द पॉइंट हैविंग द ऑर्डिनेट 0,0 इज कॉल्ड एब्सिसा, ऑर्डिनेट, ओरिजिन और क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों के पास लेट्स है, इसको अगर आप लोग चेक करें, हमारे पास ये एक्स एक्सिस राइट साइड पे ये पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, इसी तरह लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास नेगेटिव, वाई एक्सिस पे ऊपर पॉजिटिव और नीचे आप लोगों के पास नेगेटिव। सो ये रीजन मीन्स ये 0,0, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है, या सेंटर भी कहा जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। इसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट को चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने पढ़ा था कि लेट्स से यहाँ पे कोई भी पॉइंट मैं ले रहा हूँ, लेट्स से एक्सिस पे मैं 3 ले रहा हूँ, वाई एक्सिस पे लेट्स से ये 1 ले रहा हूँ, मीन्स जो हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है दैट इज 3,1। ठीक है, अब इसमें आप लोगों का जो 3 आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एब्सिसा, इसको क्या कहा जाता है, एब्सिसा। ठीक है, इसको चलो मैं ए बी के नाम से एब्सिसा। ठीक है, जबकि ये 1 वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंट आ रहा है दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ठीक है, और उसको चलो मैं ओ आर से डिनोट कर देता हूँ, और ऑरिजन आप लोगों का क्या आएगा, दैट विल बी 0,0। सो द करेक्ट आंसर इज सी। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि द पॉइंट्स -3,4 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। ठीक है, आप लोगों को ये पॉइंट गिवन है -3,4 कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो अगर आप इसको चेक करें, आप लोगों के पास ये -3 मींस एक्स एक्सिस पे -3, वाई एक्सिस पे +4, सो मींस ये पॉइंट आप लोगों का आ रहा है। और अगर आप इसको चेक करो तो ये आप लोगों का सेकेंड क्वाड्रेंट आ रहा है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि ट्राइंगल हैविंग 3 साइड्स आर इक्वल। सो जब तीनों साइड्स इक्वल हो तो हम उसको इक्विलेटर ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, सो आइसोसेलीज में 2 साइड्स बराबर होते हैं और स्केलन में कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है, फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं कि द ओनली पॉइंट लाई ऑन द बोथ एक्सिस। आप वो पॉइंट बताओ जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे लाई कर रहा हो। ठीक है, सो अगर आप लोग फर्स्ट पॉइंट को चेक करें, मीन्स 1,0 मीन्स एक्स एक्सिस पे ये 1, वाई एक्सिस 0, तो ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर आप 0 मीन्स एक्स 0 वाई 1, सो आप लोगों के पास ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, इसी तरह -1 और 0, सो ये आप लोगों के पास बी आप लोगों के पास एक्स एक्सिस, जबकि 0,0 ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और वाई एक्सिस पे भी लाई कर रहा है। ठीक है, सो आप लोगों का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का डी आर है। या पार्ट फाइव में कह रहे हैं कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट विद द एंड पॉइंट्स 5,1 और 1,-3। ठीक है, मिड पॉइंट के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और y एक्सिस के लिए काम आप y1, ठीक है, प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आ लोगों के पास मिड पॉइंट के लिए फार्मूला आ रहा था। सो यहाँ पर आप लोग चेक करिए, ये आप लोगों का x1 और ये x2 मीन्स 5+1 डिवाइडेड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट को ऐड करें, सो 1 प्लस है तो -3 डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ से 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 3, और यहाँ से -2 डिवाइडेड बाई 2, सो -1 आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर आप लोगों का लास्ट ऑप्शन डी आर है। ठीक है, सो डी योर इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, 6 में कह रहे हैं कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 2-3 आफ्टर रिफ्लेक्ट ओवर एक्स एक्सिस। ठीक है, आप लोगों को एक पॉइंट गिवन है और कहा जा रहा है कि ये अगर एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो तो उसके बाद उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट इस पॉइंट को मैं प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 2 जबकि वाई एक्सिस पे -3, मीन्स ये पॉइंट आ रहा है। अब रिफ्लेक्टेड जिस तरह आप लेट्स से आईना में आप उसका इमेज देख ले, ठीक है, सो मींस ये एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट, मींस अगर आप इसको पोड़ करके यहाँ पे चेक करोगे तो ये एक्स एक्सिस पे तो आप लोगों के पास 2 आ रहे हैं, लेकिन ये वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पॉइंट आप लोगों के पास ये आएगा और ये पॉइंट आप लोगों के पास आएगा, दैट विल बी 2
थ्री, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर अगर आप 2 3 इसमें चेक करें, सो फर्स्ट वन है, ठीक है। इसी तरह अगर ये कहता कि वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट, तो वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होने का मतलब ये है कि ये इस साइड पे फिर आ जाता, ठीक है, सही है। सो ये एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो ऊपर जाएगा। सेवन में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स इनमें से कौन से है, ठीक है। अगर आप ए को चेक करो तो ए आप लोगों के पास एक्स एक्सिस पे ये 5 यूनिट आ रहे हैं, वाई एक्सिस पे अगर आप लोग चेक करो तो 4, मीन्स 5 4। सो 5 4 आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है, ठीक है। इसको अगर आप लोग चेक करें, बी इज़ योर करेक्ट आंसर। सो पॉइंट ए आप लोगों का 5 4 पे आ रहा है। अच्छा, पार्ट 8 में कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के दरमियान डिस्टेंस। चलो पहले इसको हम मार्क कर देते हैं कि बी डी आप लोगों का कौन कौन सा वो आ रहा है। अभी कोऑर्डिनेट आप लोगों के पास अगर एक्स एक्सिस पे आप चेक करो तो ये -6 है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट, -6, और वाई एक्सिस पे ये नीचे आ रहा है तो ये आप लोगों के पास -5, ठीक है। सो ये बी के ऑर्डिनेट आ रहे हैं, जबकि डी के ऑर्डिनेट आप लोगों के पास एक्स एक्सिस पे 6 + 6 और वाई एक्सिस पे 0 है, ठीक है। सो मीन्स ऑर्डिनेट्स आप लोगों के पास आ रहे हैं, बी के ऑर्डिनेट्स में लिखवा रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों के पास है दैट इज़ -6 और 5, बल्कि -5, ठीक है। जबकि डी के ऑर्डिनेट्स आप लोगों के पास आ रहे हैं दैट इज़ 6 0। अब यूजिंग डिस्टेंट फार्मूला, डिस्टेंट फार्मूला आप लोगों को पता है कि दैट इज़ x2 - x1 होल स्क्वायर, ठीक है, x1 + y2 - y1 स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये आप लोगों का x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। सो मींस 6 और ये माइनस और ये माइनस, एक्स माइनस वन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो 6 + 6 होल स्क्वायर प्लस y2 आप लोगों का 0 आ रहे और प्लस 5 होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस अगेन प्लस 5 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। सो मींस यहाँ से आप लोगों के पास आ रहे 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू 12 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 144 और प्लस 25 होल स्क्वायर, ऐड करो। सो यहाँ से आप लोगों के पास आ रहे 4 + 5 दैट इज़ 9, 4 + 2 = 6 और 1, और अगर आप इसको चेक करो तो ये आप लोगों के पास 13 का स्क्वायर रूट आ रहा है, ठीक है। सो 13 आप लोगों के पास आंसर आ रहा है। सो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए सी। सो ए के कोऑर्डिनेट्स अगेन मैं लिखवा रहा हूँ, ये आप लोगों के पास है एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे 4। सो 5, 4 और सेकेंड आप लोगों के पास सी के कोऑर्डिनेट्स आप लोगों के पास आ रहे हैं दैट इज़ एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे -6। सो 3 और -6, ठीक है। सो इनका मिड पॉइंट, सो मिड पॉइंट एक्स एक्सिस को 8 करके 2 पे डिवाइड करो, मींस 5 + 3 डिवाइडेड बाय 2 एक्स एक्सिस के एवरेज, और इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट्स के एवरेज मींस 4 - 6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। बीच में आप लोगों का काम होगा। सो 8 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट विल बी इक्वल टू 4, और यहाँ से -2 डिवाइडेड बाय 2, सो -1। सो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए, ठीक है। अच्छा, लास्ट पार्ट में कह रहा है कि इफ़ ए इज इक्वल टू 3, 0, बी इज इक्वल टू 0, 3, देन एनी टू पॉइंट्स इन द प्लेन, देन ए बी डिस्टेंट आप लोग मालूम करो, ठीक है। बाय डिस्टेंट फार्मूला आप लोग चेक करो ए बी डिस्टेंट, ठीक है। इसको हम एब्सोल्यूट से भी डिनोट करते हैं, सो दैट इज इक्वल टू, ये आप लोगों का एक्स वन, चलो लिखवा रहा हूँ एक्स वन, ये वाई वन और ये एक्स टू वाई टू, ठीक है, एक्स टू वाई टू। डिस्टेंट फार्मूला आप लोगों को पता है कि एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर मीन 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस अब वाई टू माइनस वाई वन, वाई वन आप लोगों का, वाई टू आप लोगों का 3 - 0, सो 3 - 0 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। अब -3 स्क्वायर और +3 स्क्वायर,
ठीक है। सो 3 - 3² से भी +9 आएगा, 9 + 9 स्क्वेयर रूट, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 18 स्क्वेयर रूट। और 18 स्क्वेयर रूट को अगर आप लिखोगे मीन्स 9 × 2, 9 स्क्वेयर रूट × 2, होल स्क्वेयर रूट लिख रहा हूँ। यहाँ से 9 का स्क्वेयर रूट आप लोगों के पास 3 हो जाएगा, 3 2 स्क्वेयर रूट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें, सो ये 18 स्क्वेयर रूट करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे ये आ चुका है। ठीक है, बुक में ये आंसर सी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप 9 का स्क्वेयर रूट लोगे सो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अगर ये 9 की जगह क्या हो, 3 हो, तब फिर आप लोगों का सी भी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट आंसर बी आ रहा है, क्योंकि 18 स्क्वेयर रूट यहाँ पे आ रहा है। सही है, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम रिमेनिंग क्वेश्चन, जो एक रिव्यू एक्सरसाइज की रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।